वहीं धार में कारम डैम में रिसाव के बाद सरकार और प्रशासन एक्शन में है। एक तरफ जहां सेना की 40 सदस्यीय टीम डैम का निरीक्षण करने पहुंचे, तो वहीं मंत्री राजवर्धन सिंह भी टेक्निकल टीम के साथ मौके पर डटे हुए हैं। डैम से पानी की निकासी के लिए 5 पोकलेन मशीनों के लिए चैनल बना लिया गया है और अब तक 30 फीट तक चैनल खोदा जा चुका है। प्रशासन की माने तो अगर सब सही रहा तो 24 घंटे में 1.5 MQM पानी जो है रिलीज हो जाएगा और आने वाले 3 दिन में भी पानी निकाला जाएगा। तो डैम में रिसाव के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है, मौके का निरीक्षण भी किया। इसी दौरान आपको जानकारी दे दें कि लगातार यहां पर पानी की वजह से परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। रिसाव से यहां पर पानी का जो खतरा है वो बना हुआ है। सेना की टीम ने हालांकि मोर्चा संभाला हुआ है, पोकलेन से खुदाई लगातार चल रही है। घंटे हो चुके हैं लगातार जो है कारम नदी के जो डैम पे लगातार काम चल रहा है। प्रशासन का अमला जो है मुस्तैद दिखाई दे रहा है। मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जो है खुद मोर्चा संभाले हुए आप देख सकते हैं, इंजीनियरों से बात कर रहे हैं, टेक्निकल टीम से बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार मंत्री नजर बनाए हुए हैं। इसमें अपडेट आपको बता दें कि यह कि 40 घंटे बीत गए हैं और लगातार जो है प्रशासनिक अमला जो है बड़ी चौड़ी नाली खोदने का काम कर रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अभी तक कहीं से भी पानी को छोड़ा नहीं गया है, लगातार जो है अभी चेयर खोदी जा रही है और अभी जो है गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। चूंकि पानी अभी निकला नहीं है तो खतरा टला नहीं है, खतरा अभी बरकरार है। आप देख सकते हैं कि 5 पोकलेन यहाँ पे काम कर रही है, लगातार नाली जो है बनाई जा रही है और बहुत जल्द हो सकता है कि ये पानी निकल जाए तो जो डैम का फूटने का खतरा है वो टल सकता है। तो पोकलेन से खुदाई जो है वो हो रही है और इसके अलावा पानी के लिए निकासी के लिए लगातार जो कार्रवाई है यहाँ पर चल रही है। कह सकते हैं कि लगातार पोकलेन से मशीनें जो हैं वो लगी हुई हैं, पोकलेन लगी हुई हैं। रेणु हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु, क्या जानकारी और क्या अपडेट फिलहाल, कितनी तक खुदाई यहाँ पर हो चुकी है और कब तक चलती रहेगी ये खुदाई पानी की निकासी के लिए? दोपहर 1 बजे से लगातार पोकलेन के माध्यम से खुदाई की जा रही है, नालियां बनाई जा रही है। ये तो पोर्शन में लगातार दूसरे पोर्शन में भी इस तरह की खुदाई की जा रही है ताकि पानी की निकासी हो सके। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अभी लाइव जुड़ने वाले हैं, उसके लिए प्रशासनिक अमला जो है यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि नेटवर्क मिल जाए और प्रॉपर तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद समीक्षा करें इस पूरे डैम को, वो खुद देखेंगे लाइव और खुद समीक्षा करेंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पर सेना के जो मेजर है वो पहुंचे थे, उनका 40 सदस्यीय टीम पहुंच चुका है। 2 हेलीकॉप्टर को जो है यहाँ पे बुला लिया गया है, वो भी रिजर्व में रखे गए हैं कि यदि डैम मान लीजिए फूट जाता है जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही, तो उस स्थिति में राहत और बचाव कार्य के लिए लगातार जो है प्रशासनिक अमला यहाँ पर मुस्तैद है और लगातार यहाँ पे कार्य जारी है। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल देख पा रहे हैं हम तस्वीरों में, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर कि 24 घंटे में 1.5 MQM पानी रिलीज हो जाएगा और उसके बाद की स्थिति क्या रहेगी, जो पानी यहाँ पर बाढ़ का जो खतरा मंडरा रहा था, क्या ये कह सकते हैं कि वो खतरा कम हो जाएगा? अंजलि, यदि पानी की निकासी चलती रहती है तो बाढ़ का खतरा कम हो जाएगा, लेकिन जैसा कि हमारी अधिकारियों से बात हुई है अभी पानी की निकासी नहीं हो पाई है, लगातार नालियां ही खोदी जा रही है और चूंकि यहाँ पे हार्ड मूरम है 5-5 पोकलेन काम कर रही है, तो अभी तक आप देख सकते हैं कि कल 1 बजे से लगातार न्यूज 24 इस पे लाइव दे रहा है, अभी तक प्रॉपर तरीके से नाली नहीं बनी है, पानी का निकासी का साधन नहीं हुआ है। यदि पानी की निकासी होती है तो हो सकता है कि बाढ़ का खतरा जो है वो टल जाए, लेकिन चूंकि हम देख सकते हैं कि जो डैम में ये जो पाल बनी हुई है मिट्टी की उसपे लगातार जो है क्रैक्स आ रहे हैं, लगातार इस पे मूरम डाली जा रही है ताकि क्रैक्स को रोका जा सके। लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि यदि पानी का जो वेलोसिटी प्रेशर है वो यदि बढ़ता है तो ये
दीवार ढह सकती है। बिल्कुल बिल्कुल रेणु, अगर बात की जाए, मैं चाहूंगी एक बार तस्वीरें जो हैं आप दिखाते रहिए, और साथ ही अगर आसपास कोई प्रशासन की टीम मौजूद हो तो मैं चाहूंगी एक बार आप प्रतिक्रिया उनसे ले लीजिए, उनसे जानकारी ले लीजिए कि कब तक यहां पर खुदाई का काम यूं ही चलता रहेगा और निकासी यहां पर पानी की कब तक कर ली जाएगी। अंजलि, आपको बता दूं कि प्रशासनिक अमला नीचे जहां पोकलेन चल रही है वहां पर मौजूद है, मुख्यमंत्री लाइव देखना चाह रहे हैं इसलिए वो व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। तो जहां से हम ऊपर से लाइव कर रहे हैं वहां नीचे मीडिया को जाने का इजाजत नहीं है, तो हम आपको सिर्फ तस्वीरें दिखा सकते हैं कि देखिए पोकलेन चल रही है, वहां आप देख सकते हैं कि छतरी के नीचे लगातार जो प्रशासन की टीम मुख्यमंत्री से जुड़ने की कवायद कर रही है, लगातार यहाँ प्रशासनिक अमला जो है काम कर रहा है, टेक्निकल टीम पहुंच चुकी है। आपको बता दूं कि चेन्नई से भी जो टीम है वो पहुंची है, टेक्निकल टीम, और यहाँ पर जो वॉल खोले जाने थे वो खुल नहीं पाए हैं, कुछ वॉल को, एक वॉल को खोला गया था तो उस दौरान वो वॉल जो है थोड़ा सा खुला लेकिन प्रेशर बहुत था तो टीम उसको भी नहीं खोल पाई है। तो लगातार पानी को लीकेज करने के लिए कलेक्टर ये चाहते हैं कि पानी की जो निकासी हो वो आसानी से हो जाए और थोड़ा थोड़ा पानी निकले ताकि पानी तबाही नहीं मचा सके और कोई बिल्कुल बिल्कुल ना। लेकिन अगर बात बारिश की करें रेणु, अगर बारिश यहां पर हो जाती है तो भारी समस्या भी यहां पर खड़ी हो जाएगी जिस तरीके से खुदाई यहां पर चल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, नजर आप बना के रखिएगा।